हैप्पी होली, सभी दोस्तों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। यस बैंक ने बैंकिंग लाइसेंस 21 जनवरी 2004 को प्राप्त किया और 21 जनवरी 2004 से यस बैंक बैंक के कारोबार को करने लगा। यस बैंक की पूरे भारत में 1000 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं। यस बैंक के 1800 एटीएम से यस बैंक स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया में मई 2005 को लिस्ट हुआ। इसका पहला आईपीओ मई 2005 में 45 रुपये का आया। यस बैंक का टाइप है प्राइवेट। यस बैंक स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया में ट्रेड करता है BSE और NSE पर। इंडस्ट्री के रूप में यस बैंक बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस उपलब्ध कराता है। यस बैंक की स्थापना 2004 में हुई। यस बैंक के फाउंडर राणा कपूर और अशोक कपूर रहे हैं। यस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया में है। यस बैंक अपने ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड्स, कंज्यूमर बैंकिंग, कॉरपोरेट बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस, मॉर्गेज लोन, प्राइवेट बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट आदि सेवाएं उपलब्ध कराता है। यस बैंक के कर्मचारियों की संख्या 2018 में 18,239 थी। 17 अगस्त 2018 को यस बैंक के शेयर की प्राइस 392.20 रुपये थी। 6 मार्च 2020 को यस बैंक के शेयर प्राइस हो जाते हैं 16 रुपये 60 पैसे। 17 अगस्त 2018 के शेयर प्राइस की तुलना करते हैं 6 मार्च 2020 से, तो शेयर्स डाउन होकर हो जाते हैं 16 रुपये 60 पैसे। यानी कि शेयर प्राइजेस डाउन हुए 95.78% और शेयर की वैल्यू रह जाती है 4.22%। SBI की स्थापना 2 जून 1806 में कलकत्ता में हुई, जिसका प्रारंभिक नाम बैंक ऑफ कलकत्ता था। बैंकों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अभी तक LIC आर्थिक संबल प्रदान करता रहा है, लेकिन पहली बार SBI यस बैंक को आर्थिक संबल प्रदान करेगा, जिसके तहत यस बैंक में 49% की हिस्सेदारी SBI खरीदेगा, जिसके लिए SBI 2,450 करोड़ रुपए का निवेश यस बैंक में करेगा। इसे दूसरे शब्दों में कहें, SBI यस बैंक का पालनहार बनेगा। यस बैंक के शेयर्स की स्थिति को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। 17 अगस्त 1918 को यदि किसी शेयर होल्डर ने यस बैंक के 100 शेयर 393.20 रुपये के हिसाब से खरीदता है, तो उसे कुल 39,320 रुपये का इन्वेस्ट करना होगा। इन 17 अगस्त 1918 को किसी यस बैंक के शेयर होल्डर ने यस बैंक के 100 शेयर खरीदे तो उसने कुल इन्वेस्ट किया होगा 39,320 रुपये। 3 मार्च 2020 को
उसके 100 शेयरों की मार्केट वैल्यू हो गई 1,660 रुपये। उसके शेयर प्राइस डाउन हुए 37,660 रुपये, यानी कि उसकी पूंजी कुल कम हुई 95.78%। उसकी पूंजी बची 4.22%। दोस्तों, यदि किसी नए इन्वेस्टर को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो पहले शेयर्स पर रिसर्च करें, उसके बाद इन्वेस्ट करें। यहाँ मैं आपको दो तरह के शेयर्स के नाम बताने जा रहा हूँ, जिसमें कुछ बैड शेयर्स थे जैसे सत्यम, सुजलोन, JP एसोसिएट, दीवान हाउसिंग, रिलायंस कैपिटल आदि, और कुछ शेयर सदाबहार रहते हैं जैसे TCS, टाटा ग्रुप्स के शेयर्स, रिलायंस के शेयर, डाबर, गवर्नमेंट सेक्टर के शेयर। तो दोस्तों, इन्वेस्ट करने से पहले आप रिसर्च करें और अच्छा शेयर ढूंढकर इन्वेस्ट करें। यदि यस बैंक जैसे शेयरों में इन्वेस्ट करोगे तो हालत बहुत ख़राब होगी। यस बैंक में पहले सिर्फ शेयर होल्डर्स की आर्थिक स्थिति खराब हुई है, अब बैंक के कस्टमरों की हालत भी बहुत ख़राब हो गई, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक आदेश निकाला है जिसके तहत बैंक कस्टमर यस बैंक से अधिकतम 50,000 रुपये ही निकाल सकता है। तो शेयर होल्डरों के साथ साथ बैंक के कस्टमर भी अब आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं। तो दोस्तों, शेयर चुनने में से पहले रिसर्च करें और सही शेयर में इन्वेस्ट करें। धन्यवाद।